काम करो, गाड़ी घुमाओ, तुरंत गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ यहाँ से। आप गाड़ी घुमा लो फटाफट। दीपक भी आ गया ना। पहले एक मिनट, क्या पहन के कुछ नहीं है, क्या हो गया? दर्शन रखो, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। पहले ये पहनो, लो दर्शन रखो। एक मिनट, ऐसे क्या हिम्मत आ रहे हो यार? मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ, बस मैं आ गया हूँ। अब रो मत यार, रो मत, रो मत यार, आप ऐसे पागल हो यार? क्या दीपक भी आया यार? चीजी सी क्या यार तुम यार, क्या टीम तो होनी चाहिए कम से कम साथ यार। तुम ऐसी लोकेशन विजिट कर रहे हो खतरनाक। पहले इधर रखो, सस्ते रखो, पहले खड़े हो, एक बार खड़े हो, पहले ये पहनो, जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, हाथ डालो, हाथ डालो। इतना क्यों घबरा गए यार? क्या हुआ? पहली बार ऐसी चीज देखी, अटैक करा गया है? एकदम सामने आ गई, एकदम सामने आ गई, इतनी चीजें देखी यार जितनी। यार इतना मत घबराओ, चलो इधर आओ, इधर आओ, चले यहाँ बैठो, एक सेकंड गाड़ी में बैठो, इनको गाड़ी में ठंड लग रही है, इनको बहुत भयंकर। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, बैठो पीछे, बैठो गाड़ी में बैठो। हाँ तसली से बताओ क्या दिक्कत है? मैं आ गया हूँ, चिंता मत करो। पता है मैं आपके लिए आया हूँ सिर्फ यहाँ पे। और यार पागल की तरह आपको अकेले जाने की कहाँ जरूरत थी? दिमाग खराब है आपका? आपको पता आपके भाई के साथ में क्या हो रहा है अभी? मुझे पता है आपके साथ में बहुत बुरी बुरी चीजें हुई है, इसलिए आप YouTube पे एक्टिव भी नहीं हो। तो फिर पर जब आपको मालूम है अगर आपके पास में सपोर्ट नहीं है, कुछ भी टीम नहीं है पूरी, तो फिर आप दोनों को आने की कहाँ जरूरत थी? दीपक भी आप तो समझदार हो यार। पर मुझे इस लोकेशन पे बस चेक करना था, है या नहीं। मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे? मेरा दिल जानता, मैंने गाड़ी कितनी फास्ट चलाई है। मुझे पता है क्योंकि तभी मैं एक जगह मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। वो साली ऐसी क्या चीज देख ली यार? भूत देख लिया, प्रेत देख लिया, चुड़ैल देख ली, क्या ये सब? प्रेत से भी भयंकर चीज है यार, तो भी है यार, बहुत प्रेत से भी भयंकर चीज है वो। इतना ज्यादा घबरा रहे हो यार? लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी यार। कम से कम कपड़े तो होने चाहिए यार तुम्हारे पास, कपड़े प्रॉपर नहीं है, ऐसे आ गए ये? जल्दीबाजी के अंदर बस वो चेक करने के लिए है यार। भैया क्या बताएं यार, हम दोनों आए इस लोकेशन पे, दिमाग खराब है यार सूर्य भैया। कुछ भी मान रहा तो ठीक है, मेरा मोबाइल चालू था, मैंने उठा लिया, लेकिन मैंने किसी और को किया भी नहीं है फोन ये बात। दोस्तों आपको मालूम है अभी फिलहाल शायद मुझे लगता है कि यार ठीक है कैमरा ऑन कर दिया, बाकी इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं ये बहुत भयंकर। और आपको जैसे पता ही है कि मैं कोई लोकेशन विजिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हाल में मेरे साथ में बहुत कुछ हो रहा है, मगर इस समय मेरे लिए मेरे जान से भी बढ़ के, मेरी जान से बढ़ के, मेरे परिवार से बढ़ के अभी मेरे लिए सूर्य भैया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ दिखी है, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता है अभी तक। ठीक है मैं इन्होंने क्या रिकॉर्ड कराया क्या, अभी मैं चेक करूंगा पहले इसके अंदर, उसके बाद डिसीजन लेना है मुझे कि क्या करना आगे। बाकी मुझे लगता है अगर ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ है तो निकल चलो यहाँ से। आपको बुलाया एक बार आप ऐसे चीज क्या है यार, ऐसे आपकी मर्जी, क्या चीज चाहते हैं तो आप। उसके बीच में दो तीन चीजें अजीबो गरीब थी, एक जगह तो ऐसा हो गया था मतलब ठंड है ही नहीं। अच्छा एकदम मतलब ऐसी लग रहा है जैसे क्लाइमेट ही चेंज हो गया, मतलब ठंड लगते लगते गर्मी, इतना गर्म है यार। मोटरसाइकिल पे आने की क्या जरूरत थी तुम्हें यार? गाड़ी अगर वहाँ पे सर्विस पे दी हुई थी गौतम भैया को तो मेरे को पता नहीं था ना क्या, गाड़ी नहीं कुछ नहीं ऐसा आ गया। अब क्या चीज है ऐसी? तुमको कुछ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, चले मेरे साथ चलो। क्या पहले मेरी बात सुनो, कैमरा चेक करो, उसके बाद चलेंगे। ठीक है पहले कैमरा मेरे को दिखाओ, इसमें क्या चीज है ऐसी? अगर बंद करो कैमरा, पहले रिकॉर्डिंग चेक कराते हैं, उसके बाद इधर आओ, बंद कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग चेक कराते हैं पहले। दोस्तों हेलो हाय कहने का बिल्कुल टाइम नहीं है, और लोकेशन आप पीछे देख रहे हो कि मैं कौन सी लोकेशन पे खड़ा हूँ। और जो सूर्य भाई ने करा ना बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे मजबूर करा है इस लोकेशन पे आने के लिए। आपको पता है कि मेरे साथ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे किसी वीडियो शूट करके मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। ठीक है मेरा मतलब बिल्कुल मकसद नहीं था कि कोई लोकेशन में शूट करूँ, मगर दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर से दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि खुद अपन अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चुनते हैं, और वैसे ही सूर्या भाई की दोस्ती को मैंने चुना। ठीक है ना, किसी भी दोस्त या किसी भी ऑडियंस के लिए मैं आज मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन कवर करवाता हूँ कि आपका भाई कौन सी लोकेशन पर, और जो गलती सूर्या भाई ने करी है। एक बार भाई सूर्या भाई इधर आओ, अरे आओ तो सही यार इधर। ठीक है मैं हूँ अब आपके साथ, इधर आओ, मैं हूँ ना, मुझे पता है, मैंने पूरा देख लिया चारों तरफ। एक बार भाई दीपक भैया चारों तरफ लोकेशन घुमाओ,
दोस्तों सूर्य भाई ने अकेले केवल लोकेशन विजिट करके बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि ये लोकेशन बहुत खतरनाक है। यहाँ पे कहते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, एक ऐसा दानव, एक नहीं दोस्तों दो दानव, मगर सूर्य भाई की मैंने पूरी रिकॉर्डिंग चेक करी थी, उस रिकॉर्डिंग के अंदर केवल एक दानव नजर आ रहा है। ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छे से उस रिकॉर्डिंग को देखा है, कोई इंसान नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, मगर एक अजीब सा दानव जैसा, जैसे कोई अजीब सा रूप किसी ने ले रखा हो। कहते हैं कि एलियन जैसा दिखता है, बिल्कुल एलियन का जैसा दिख रहा था वो। ठीक है ना, सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही चीज आपके सामने, आंखों से भी वही चीज दिखी थी आपको। ठीक है ना, मगर ध्यान रखना, ठीक है ना सूर्य भाई, मैंने मेरे परिवार को नाराज करके केवल आपके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। जिंदगी में दोबारा बिना टीम के कोई लोकेशन विजिट नहीं करोगे, आज तो कर लिया आपने। ठीक है ना दोस्तों, सूर्य भाई ने जो गलती करी है मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को करनी चाहिए, तो मेरा रिकमेंड आपको ये है कि दोस्तों कभी भी ऐसी गलती मत करना, कोई सुनसान रास्ता या कोई डेंजर लोकेशन हो, कोई शमशान हो, कोई कब्रिस्तान हो, कहीं पे जाने की आप कोशिश मत करना कभी भी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग मैंने चेक करी है तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो चीज़ अगर अभी भी उस जगह है तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाके कैप्चर करूँ उसको और मैं देखूँ कि वो चीज़ क्या है, उसके बाद में सोचना है। अगर वो कैप्चर होती है दोबारा तो उसके बाद में सोचना है कि उसका क्या किया जाए, फिलहाल तो अभी ये देखना है कि वो चीज़ अभी उस जगह है। सूर्य भाई पता नहीं अजीब सी चीज़ महसूस हुई दोस्तों, जिस जगह हम खड़े हैं ना यहाँ से कहते हैं कि गांव वाले कोई ना तो आता है इधर से ना जाता है, यहाँ तक कि एक घर बनाने की किसी में हिम्मत नहीं है कि इस तरफ एक घर बना ले, ऐसी लोकेशन पे ये खड़े हैं, बहुत खतरनाक है। मैंने आपको लोकेशन दिखाई है, कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल चुका है कि मैं कौन सी लोकेशन पे खड़ा हूँ। हम 11 बजे आए थे, हाँ मुझे पता है, मुझे टाइम देख लो भी क्या हो रहा है, अप्रोक्स मेरे को 2.5 घंटे लग गया यहाँ आने में, 1:25 हो रहा है अप्रोक्स मेरे को, 2.5 घंटे, हाँ 2.5 घंटे लग गए थे। 1:25 में काम करो, जल्दी बैठो, क्योंकि गाड़ी साइड में लगाओ, मैं गाड़ी बाइक साइड में लगाओ, एक काम करो आप पहले, ज़्यादा रिस्क लेना खतरनाक है इस रोड के ऊपर, क्योंकि मुझे केवल वो चीज़ कैप्चर करनी है कि अगर होती है तो फिर आगे देखा जाएगा कि क्या करना है। चोरी का तो सीन है ही नहीं यहाँ, क्योंकि आता ही नहीं कोई, माइकल आल ही नहीं आता यहाँ पे। दीपक क्यों दोस्तों, यार आपका भाई वापस इस लोकेशन से कमबैक कर रहा है, प्लीज आपसे मैं एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि यार सूर्य भाई के लिए, मेरे लिए यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना यार। पहले तो इनके बोलूंगा इनको कि ये मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया, मैंने किसी और अदर पर्सन को कॉल भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किसी को भी कॉल करूंगा वो यहाँ नहीं आएगा मेरी हेल्प करने के लिए, पर ये भाई ना सबसे बड़े सूर्य भाई थैंकफुल है कि भगवान ने मेरा साथ दिया यहाँ पे, जिंदगी के अंदर केवल मदद ही करी है और धोखे ही खाए आपके भाई ने। ठीक है ना, अब जिंदगी में मगर मुझे नहीं लगता है कि यार सूर्य भाई मेरे साथ आप ऐसा करोगे, ये इसी विश्वास के लिए मेरे परिवार को नाराज करके मैं यहाँ पे आया हूँ आज। मेरी बात सुनो, बात टाल लो सब कुछ और चलो पहले। आपको कंफर्म पता था किस लोकेशन पे है वो चीज? मेरे को कंफर्म नहीं था, जैसे ऑडियंस को विश्वास नहीं होता ना जब तक वो देख नहीं ले, केवल विश्वास के लिए आए थे अभी यहाँ पे ऑडियंस के, करना आया था मैं कि वास्तव में है कि नहीं है। तो यार कम से कम आपको फैन के तो आना चाहिए था यार, पता है कितनी सर्दी पड़ रही है बाहर, टेम्परेचर क्या है। सारी बातें सही है मैं मान रहा हूँ, पर मैंने गाड़ी वहां दी और हम बाइक लेके आ गए रिपेयर के लिए। दोस्तों यार मैं तो फिर रिकमेंड करूंगा आपको कि यार सूर्य भाई के जैसे आप गलती मत करना कभी भी। और ये भाई हम ऐसी ऐसी लोकेशन पे विजिट करते हैं जितने भाई जहाँ पे इससे भी भयंकर चीजें होती है या अजीबोगरीब चीजें होती है, मगर यार आपको ये मान लेना चाहिए कि कम से कम सर्दी कितनी है यार, आप बाइक पे यहाँ पे आ गए यार। सारी गलती मान रहा हूँ मैं अपनी, अब लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं है। ठीक है मेरा फोन चालू था, नहीं होता तो फिर क्या करते आप? मुश्किल हो जाता है यहाँ से निकलना, सही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना पड़ता हमारे। लाइट बंद कर दो भाई, लाइट बंद कर दो इसकी, कोई चीज अगर दिखे तो कैप्चर ढंग से करना। ठीक है भाई, लाइट ऑन कर लेना बाहर चल के दिखो। बिल्कुल, आप एक सेकंड मेरी बात सुनो, यहाँ गाड़ी रोकना आप इस जगह, हाँ इस जगह गाड़ी रोको, इस जगह गाड़ी रोको, बस इसी जगह गाड़ी रोक लो, इसी जगह रोक लो, बाहर निकल के हाथ ही निकाल दो बाहर खाली। नहीं आप बाहर निकलो, एक बार लॉक ओपन करो,
बाहर निकलो एक बार, घर में फील हुई आगे चलो जो तो अभी कैप्चर करना आप अगर कोई चीज दिखे तो यहाँ ठंड है, देखो यहाँ ठंडी है, यहाँ ठंडी है मगर थोड़ा सा नहीं है, 100 मीटर चलोगे ना ठंड वापस वैसी की वैसी जाओ वैसे वहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ बहुत भयंकर ठंड थी। यहाँ पे भी तो गर्मी हो रही है। आपके पास सेफ्टी लेके तो आए ना आप? यहाँ सेफ्टी माला है ना, माला है ना, चलो बैठो आपके पास। मेरे पास है सेफ्टी, लाइट बंद कर लो दीपक भैया। क्या चीज देख ली यार, मेरे को समझ बहुत भयंकर चीज थी, मतलब खतरनाक। मैंने तो केवल वीडियो के अंदर ही देखा है, मगर प्रत्यक्ष में तो आपने देखी है वो चीज। गेट खुला है नहीं बंद है? अब यहाँ अगर आप गाड़ी से उतरो दीपक, आप गाड़ी धीरे चलाना, गाड़ी धीरे चलाना, ठीक है? आगे चलना, थोड़ा सा और चलना। आपकी राइट साइड में देखो, हाँ ये मजा रहे, राइट साइड में देखो लाइट ऑन करना, मजा रहे, कोई मजा रहे। कुछ चीज है, हैंडपंप भी है, मजा भी है। लाइट बंद कर लो आप, स्लो चलने दो, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर दिखा था, मेरे को नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। स्लो स्लो चलने देना, बिल्कुल स्लो स्लो गाड़ी। बस यहां से मेरे को जहां तक लग रहा थोड़ा सा दूर होगा या तो, या फिर यही कहीं, मेरे को आइडिया नहीं है कुछ प्रॉपर। मैं वापस चला जाता है मगर मेरे को खुद को कंफर्म करनी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। यार कितनी खतरनाक डेंजर जगह है यार। सूर्य भैया आप कैसे आ गए बाइक पे यार, यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल है यार। के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं, आप लोगों को भी पता है कि ऑडियंस के लिए अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, ये है ना ऑडियंस के लिए अपन। ओ भैया सामने देखो, सामने तो चलने दो, चलने दो सामने, गाड़ी चलने दो, गाड़ी चलने दो, अपन फोर व्हीलर में है अभी, वो फोर व्हीलर में है, चलने दो आगे लो, चलने दो, नहीं हो रहा चलने दो, चलने भैया आगे मत लो यार, बहुत खतरनाक चीजें दिख रहे हैं सामने, देखो रोड पे कैमरे में, गाड़ी कैसे घुमाएंगे अपन, कैमरे में कैप्चर नहीं करना, जूम करो, जूम करो सामने देखो यार, जूम करना दिख रहा है यार, दिख रहा है, दिख रहा है, जूम करने में दिख रहा है यार, ये तो वही चीज है जो आपकी रिकॉर्डिंग में मैंने देखी। आगे चलो, आगे चलो भैया, गाड़ी कैसे घुमाएंगे अपन, आपको कंफर्म करना है तो आगे चलो, नहीं तो सूर्य भैया समझा करो, गाड़ी कैसे घुमाएंगे अपन, पास में नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ आऊं, लेकिन ऑडियंस की वजह से मुझे आना पड़ा और मुझे खुद को अंदर से जानना था। भैया बाहर चलो, बाहर बाहर निकलो एक बार, चीज को थोड़ा करीब से देख, रोड गाड़ी के बीच में लगाओ, रोड के बीच में लगाओ, कोई आएगा तो रुकेगा जरूर, लेकिन मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे यहाँ निकाले ना, यहाँ कोई भी। ओ भैया यार उसको देखो, देख रहा हूँ मैं, भैया बाहर निकलो एक बार, चलो 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 चलो। ओ भैया यार रुको, आगे मत आना कोई भी, दीपक भैया हाँ भाई थोड़ी दूरी बना के रखना, देखो कुछ भैया यार बहुत खतरनाक चीज है यार ये, ओ भैया पीछे उड़ो पीछे, बहुत खतरनाक आवाज आ रही है इसकी यार, ये वो कोई आसान चीज नहीं है यार, बहुत भयंकर चीज है, मैंने बोला था ना
भैया मेरी जिंदगी में मैंने पहले बार ऐसी चीज देखी है यार। पिक्चर हो रही है। ओ भैया 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 पीछे हटो भैया। गाड़ी एक काम करो, गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठो, आप स्टीयरिंग पे बैठो फटाफट, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। एक काम करो, गाड़ी घुमाओ, तुरंत गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ यहाँ से। आप गाड़ी घुमा लो फटाफट। दीपक भी आ गया ना भैया। ओ भैया यार पिक्चर नहीं हो रही, थोड़ा आ गया हूँ भैया, थोड़ा आ गया हूँ भैया। जूम करो भैया, जूम करो, जूम करो, मैं जूम करो। ये तो भैया, ये तो पास में जाओ, रुको रुको रुको। ओ भैया इसके पैर देखो यार, इसके पैर में जैसे बैंड ला रखो। ओ भैया अजीब सी आवाज है इसकी, जैसे कोई एलियन हो। आपकी कसम भैया, मैंने बात सुनो, इसकी आवाज जैसे कोई एलियन होता है ना, वैसी आवाज आ रही है। आवाज है और बहुत गंदी एक्टिविटी है यहाँ पे भैया। आपकी कसम मेरे जिंदगी में मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी, कभी जिंदगी में नहीं देखी मैंने। यहाँ से निकलो, गेट बंद कर, गेट भैया यहाँ से निकलो तुरंत। अजीब सी रोशनी हुई ना वहां पे, जैसे कोई रोशनी आई यार। रोंगटे खड़े हो जाते ना ऐसी जगह देख के, रोंगटे खड़े हो गए मुरे। लगा डल, लगा डल, खतरनाक लगा यार। धीरे 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 का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हाथों पे दिमाग पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है भाई। गाड़ी आराम से चला भाई। कहाँ फंस गए आप यार, नहीं आना चाहिए था आपको यार यहाँ पे। मैंने मेरी आंखों से देखा जब पुरुष हुआ मुझे। अब रिकॉर्डिंग देखी थी तब, रिकॉर्डिंग देखा जब भी मेरे को लगा, मगर है ना आंखों से जो चीज देखी है मैंने, बहुत खतरनाक चीज है यार। जिंदगी में पहली बार हम फेस कर रहे हैं इस चीज को जिंदगी में, अपने पूरे दो साल तीन साल के करियर में अपन ये पहली बार फेस। मैंने मेरी हॉन्टेड ब्लॉगिंग के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसी चीज देखी है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम यार। भैया अजीब सी आवाज, जैसे कोई एलियन वगैरह हो ना, जैसे अजीब सी आवाज उसकी। भैया हिम्मत नहीं हुई वहां खड़े रहने की मेरी बिल्कुल भी। ये तो कार है, चलो ठीक है, सेफ समझ में आता है, लेकिन बाइक भैया कैसे आए होंगे आप यार, कैसे आ गए आप बाइक के ऊपर मुझे। ये तो ठीक है, ये फोर व्हीलर है अभी, अब यहाँ से वापस बाइक पे निकलना है, लेकिन वही 110 किलोमीटर हमारे को कवर करना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना। कुछ रोशनी है आगे, ये पहाड़ के ऊपर कोई रोशनी है, उस साइड में भी है कुछ है। भैया थोड़ा यहाँ पे सेफ है अपन, क्योंकि यहाँ पे शायद हो सकता है कोई पीछे की तरफ कोई। बस बस भैया यही रोको, गाड़ी साइड में लगाओ, गाड़ी साइड में, ये गाड़ी निकल लेनी है, मेरी बात सुनो, फटाफट से निकलते हैं ठीक है। एक सेकंड रुको यार। दोस्तों हमारी जिंदगी में ऐसी चीज, ऐसी एक्टिविटी पहली बार देखी, पहली बार ऐसी चीज देखी हमने। बैटरी गिर गई मेरी, क्या हो गया, लाइट की क्या हुआ, लाइट पता नहीं क्या हुआ यार भैया, वो जैसे अंदर एंटर हुए ना। दोस्तों यार आप कहोगे, मगर मैंने मेरी हॉन्टेड लाइफ के अंदर जो चीज आज देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी थी। पता नहीं सूर्य भाई कैसे बाइक के ऊपर आ गए, ये तो ठीक है फोर व्हीलर थी जो हम वहां से निकले, और ये मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था कि गाड़ी घुमा लेनी। बहुत अच्छी चीज करी यहाँ आके, हम भी बच गए और आपके आंखों में भी जो सच्चाई थी वो आ गई। भैया एक बार एक्चुअली के अंदर मैं बहुत ज्यादा वीकनेस है मेरी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको माना मैं मेरे साथ में क्या घटना हो रही है, बहुत इनके साथ में बहुत बुरी चीज। मेरे परिवार एग्री नहीं है कि मैं कोई, गुरुदेव ने तक तक बोला है कि अगर तू फिर भी कभी कोई लोकेशन विजिट कर, वैसे मेरे को पूरी सेफ्टी दी उन्होंने, और कई चीजें उन्होंने ऐसी करी कि अभी कोई एक्टिविटी ऐसी कोई नजर नहीं आ रही है, और बिल्कुल अभी जो कहते हैं कि घर को मेरा बिल्कुल स्वच्छ कर दिया उन्होंने, मगर उन्होंने बोला है कुछ दिन तू टाल। मगर यार दोस्तों भैया बिल्ली, भैया 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 देखना भैया, ये अपशकुन होता है भैया, ये अपशकुन होता है, ओ भाई साहब ये अपशकुन है भैया, वो जा रही भाई, वो गई बिल्ली का दिखना अपशकुन होता है, वो गई भाई, वो गई कहाँ गई, वो देखो एक बार, ओ भाई साहब, भाई साहब भैया जैसे कोई मैसेज दे रही है अपने को, भाई साहब उसने पलट के देखा भैया,
बिल्ली का दिखना अब चुकू ना, मैं फिर कह रहा हूँ भैया सुनो, आप ड्राइविंग सीट पे आओ, गाड़ी लो निकलो, मैं बाइक पे चलता हूँ। भैया दीपक आप पीछे रहना, यार मेरी बात सुनो, आप ड्राइविंग सीट पे बैठो, अब बात करते रहना, मैं गाड़ी लेके आपके सामने सामने निकल रहा हूँ आगे आगे। मेरा परिवार वाले एग्री नहीं है, मगर मेरे को दोस्ती के लिए करना पड़ा और अब मैं इस लोकेशन को मेरी बात सुन लो नहीं मान सकता हूँ, इस लोकेशन को मैं पूरी रिवील करूंगा। ऑटोमेटिक और ये बिल्ली का दिखना, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हुई है, ये समझ नहीं आ रहा यार ये गाड़ी कैसे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई। एक आप देख सकते हो दोस्तों, गाड़ी के ऊपर कोई भी नहीं है अभी और ये गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये बिल्ली दिखी है और ये गाड़ी स्टार्ट हुई है। इस जगह को अब तो चैलेंज है कि मैं खुद रिवील करूंगा इस लोकेशन को, जो देखा जाएगा। दीपक भैया आप बैठो, लो मेरे को चाबी दो बाइक की, मैं लेके चल रहा हूँ आगे, आप गाड़ी में चलो, तुरंत निकलो यहाँ पे, रुकना मत, वो बिल्ली यहीं पे। ठीक है दोस्तों, अब तो ये मेरे लिए चैलेंज है, अब भले मेरा परिवार रोको चाहे कुछ भी रोको, मेरी YouTube फैमिली मेरे सपोर्ट में सबसे बड़ी बात है। दोस्तों ये लोकेशन मेरे को आपके लिए विजिट करनी है, सूर्य भाई के लिए विजिट करनी है और ये एक बहुत बड़ा मकसद बन चुका है, इस लोकेशन को मैं रिवील करूंगा पूरी। ज्यादा कुछ दिखा नहीं सका इसके लिए मैं माफी मांगता हूं दोस्तों, क्योंकि चीज ऐसी थी और आवाज इतनी खतरनाक थी उसकी। जल्दी आ जाओ सूर्य भाई, जल्दी निकलो यहां से, आप आगे निकलो।